चलिए मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मकान हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत। तो जाकिर कॉलोनी के बारिश के बाद ये मकान गिरा था, जहां 3 मंजिला मकान गिरने से यह हादसा हुआ था, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और अब जानकारी सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। तो मलबे से अब तक कई लोग निकाले गए हैं, मकान के मलबे से लोगों का रेस्क्यू जो चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। तो देखिए, भरभराकर 3 मंजिला इमारत गिरने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, नजर बनाए हुए हैं, राहत बचाव कार्य के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। तो ये देखिए, मौके से आपको तस्वीर, घटनास्थल से वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जब ये 3 मंजिला इमारत धराशायी, और उसके बाद देखिए किस तरह से यहां पर भयावह मंजर देखने को मिला है। तो मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में ये 3 मंजिला मकान गिरने से हड़कंप मच गया। तो 9 लोगों की मौत की खबर यहां से सामने आ रही है, कई लोग घायल भी हैं, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर नजर बनाए हुए हैं, राहत बचाव के निर्देश। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अभिषेक, क्या मौके से अपडेट, क्या स्थिति वहां पर? हाँ देखिए, मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा दूं। अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फिजिकल मुआयना कर रहे हैं और पब्लिक भी अब इस हादसे को, जो मोहल्ले की महिलाएं, वो देखने के लिए आ रही हैं। ये पूरा मकान था, घटनास्थल है, आप देख सकते हैं ये सारा मलबा। नीचे जो बेसमेंट था, प्रथम तल, वहां पर ये डेयरी चलाते थे और इसके पीछे ये पूरा 3 मंजिला मकान था जिसमें रिहायश थी। ये 3 भाई थे जिनकी पूरी फैमिली यहां पे रहती थी, 15 लोग इसमें दबे, सबको रेस्क्यू कर लिया गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ आने के से पहले ही सिविलियंस ने 3 लोगों को इसमें से रेस्क्यू किया था, बाकी 12 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया गया है। 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। अब देखिए, बड़े बड़े जो लोहे के या दूसरे कंक्रीट के शीट्स हैं, उन्हें पब्लिक की मदद से अब हटाया जा रहा है, मजदूरों की मदद से। जी देखिए, मैंने अपडेट किया था, आध घंटे 9:30 बजे रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जो अंतिम जो ह्यूमन थे, जो एक छोटी बच्ची थी 2 से 3 महीने की, उसको रेस्क्यू किया गया है। और उसके साथ ही एनडीआरएफ ने, एसएसपी एनडीआरएफ अमित कुमार से मैंने कंफर्म किया, उनका मैंने इंटरव्यू भी भेजा है, और सीडीओ नुपुर गोयल, उन दोनों ने ये कन्फर्म किया है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो इंसानों का था, इंसानों की खोज का था, वो खत्म कर लिया गया है। अब मवेशियों की जो इसमें दबी हुई है से उनको खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पूरी तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये पूरा प्लॉट जिस तरीके से धराशायी हुआ है, उससे ये साफ है कि हादसा बेहद बेहावे था। और इस हादसे के बाद यहाँ अफरा तफरी मची। अब मैं बाहर की आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखाऊंगा, वो इलाका दिखाऊंगा कि किस तरीके से। पहले मैं बताता हूँ हादसा हुआ क्यों। देखिए, दीवारें जो आप देख रही हैं मेरे साइड में, ये जो दीवारें हैं ये गारा की बनी हुई हैं, गारा से चिनी हुई हैं, गारा यानी कि मिट्टी से चिनी हुई हैं। ये देखिए, ये मिट्टी से चिनी हुई दीवारें, और सामने अगर आप देखेंगे उसके आगे सीमेंट की दीवार है, लेकिन उसके पीछे मिट्टी साफ दिखाई दे रही है। इस मिट्टी से, क्योंकि नींव में भी ये माना जा रहा है मिट्टी की चिनाई थी, उसके ऊपर कंक्रीट का लोड था। ऐसे में ये जो अधिकारियों ने हमें सूचना दी है, डेयरी इसमें चलाई जा रही थी, और रोजाना समरसेबल सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे गोबर बहाने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए चलता था। पानी नींव में भरता रहा, और 3 दिन की बारिश, क्योंकि 20-25 सालों में ऐसी बारिश नहीं पड़ी, वो बारिश पड़ी, नीचे पानी भरता रहा। सीडीओ नुपुर गोयल से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि कल इन्होंने एक मिस्त्री को बुलाया था कुछ लेबर वर्क कराने के लिए, उसने भी चेतावनी दिन में दी थी कि मकान जर्जर हो रहा है, हादसा हो सकता है, इसे खाली कर दो। और 4:30 बजे ये मकान जर्जर हो गया और नीचे गिर गया, चीख पुकार यहां मच गई। बाहर से मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से अब जहां पर भैंसे दबी हुई हैं, वहां से मलबा निकालने का काम जारी है। एनडीआरएफ नए तरीके से अब मवेशियों की खोज का काम शुरू कर रहा है। ये नगर निगम के जो पोर्कलेन, छोटी पोर्कलेन मशीन है, इससे इस घर के अंदर बाहर से मलबा निकाला जा रहा है, जिसके अंदर कई भैंसे दबी हुई हैं।
कुछ जीवित भी हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आप देख सकते हैं लगातार कोऑर्डिनेशन में है, इनकी देखरेख में ये काम चल रहा है। ये यहाँ से निकाली जा रही है भैंस की खोर, पानी आप देखिए पूरी बिल्डिंग में सीलन है, ये पानी यहाँ नीचे से नीवों में जा रहा है। और ये देखिए बिल्डिंग को रेड जोन में घोषित कर दिया एनडीआरएफ ने, यहाँ पे खड़े होने में रिस्क है। ये देखिए मलबे को निकालने के लिए पूरी तरीके से, देखिए एक भैंस दिखाई दे रही है, मैं चाहूंगा जरा पैन करें वीजे, जिंदा है वो भैंस, उसके रस्सी डाली गई है और उसे खींचने की कोशिश की जा रही है। वो तभी भी भैंस आपको दिखाई दे रही होगी तस्वीरों में, उसको निकालने की कोशिश ऐसे की जा रही है। अगर ऐसे खींचा, एनडीआरएफ मना कर रही है कि इस तरीके से नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि एनडीआरएफ टेक्निकली साउंड होती है इन ऑपरेशंस को अंजाम देने में। इधर पुलिस को इस भीड़ को रोकने में कल से खासी मशक्कत करनी पड़ी, रुक रुक के सारी रात बारिश होती रही, आरआरएफ लगाई गई है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं ये कपड़े निकाले बताए जा रहे हैं, साथ ही कितने लोग घायल हुए हैं इसकी भी जानकारी दीजिएगा। तंग गलियां जहां बड़ी मशीनें नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए इस पूरे ऑपरेशन को मैन्युअली ड्रिल किया गया, जो ड्रिलिंग मशीन थी मैन्युअली किया गया। जो बच्ची निकाली गई है वो 6 महीने की थी, वो विजुअल मैंने भेजे हैं जब निकाला गया। एनडीआरएफ के कमांडेंट एसएसपी अमित कुमार ने हमें कंफर्म किया कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन 9:30 बजे जो इंसानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन था वो कंप्लीट हुआ, अब जानवरों की तलाश इसमें की जा रही है। 40 से ज्यादा भैंसे, बकरियां और गाय इसमें थी और पूरे निचले हिस्से में यहां डेयरी चलाई जाती थी, गनीमत थी ये माना जाता था। 5 बजे पब्लिक भी दूध लेने आती थी, अगर ये हादसा 5:30 बजे के वक्त किया गया होता तो दूध लेने वालों की भीड़ भी इसकी जद में आती, लेकिन 4:30 बजे ये हादसा हो गया। और जितनी घर में लेडीज ज्यादा हताहत हुई उसकी वजह ये थी कि लेडीज और बच्चियां इस घर में थी, जो पुरुष घर में थे वो चपेट में आए, जो पुरुष बाहर थे, जैसे घर का एक युवक शाकिर अभी वो शौक में है वो बाहर था बच गया, एक भाई जो अलग रहता था वो बच गया, लेकिन महिलाएं सबसे ज्यादा जद में आई, छोटी बच्चियां इसमें जद में आई, 8th-9th में पढ़ने वाली बच्चियां जद में आई, क्योंकि घर के तीसरे तल पे थी और जो नीचे बेसमेंट में या प्रथम तल में थे। बिल्कुल भयावह तस्वीर है और जवाबदेही किसकी, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो मवेशी की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन जारी, तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, तो जो इंसानों की खोज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो अब खत्म हो गया है और अब मवेशियों की खोज जो है वो टीम की तरफ से की जा रही है। बढ़ते आगे, यूपी के कई जिलों में